आप लोग के समक्ष मैं हूं प्रिंस गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड के साहिबगंज में है और हम साहिबगंज समाहरणालय के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। और आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यहां पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए। साहिबगंज जिला के अंदर बरहेट विधानसभा है जहाँ से वो अपनी उम्मीदवारी के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी पर्चा दाखिल करेंगे। तो देख लीजिए मुख्यमंत्री के आने से पहले किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी है वो तैयारी की गई है। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात, जो महत्वपूर्ण बात है, वो मैं बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का सबसे पहले जो शेड्यूल जारी हुआ था उसमें ये था कि वो अपने पटना आवास से, जो कि इसी ज़िला में है, वहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए साहिबगंज के पुलिस लाइन पहुँचेंगे और उसके बाद फिर वो वहाँ से चलकर डीसी कार्यालय पहुँचेंगे और जहाँ अपना नामांकन पर्चा उनको दाखिल करना था। लेकिन मौसम ख़राब होने के वजह से अब वो हेलीकॉप्टर से नहीं आकर बाय रोड आ रहे हैं, सड़क मार्ग से आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली आएंगी क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल रहता है कि विधि व्यवस्था जेड प्लस सिक्योरिटी में सारी विधि व्यवस्था जिला प्रशासन को ही देखनी होती है। तो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं। चूँकि पूर्व में हेलीकॉप्टर से आने का सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन अब चूँकि बरसात की वजह से और मौसम ख़राब होने की वजह से सड़क मार्ग से आ रहे हैं, तो हमने सड़क मार्ग पर भी विधि व्यवस्था के इंतजाम किए। तो सर टाइम में कोई तब्दीली होने की भी सूचना है? तब्दीली अब तक सच कोई तब्दीली ऐसी नहीं है। ऐसी उम्मीद है कि लगभग 1 से 1.5 बजे तक नामांकन पर्चा है। डीसी साहब से अभी हमने बात की तो डीसी साहब ने कहा कि ये प्रोग्राम शेड्यूल जो है वो अभी चेंज हुआ है क्योंकि मौसम ख़राब होने के वजह से जो आज उनका हेलीकॉप्टर है वो नहीं उड़ान भरेगी, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देख लीजिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मद्देनज़र, आपको मैं बता दूँ कि किस तरीके से सारे फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और मुख्यमंत्री यहां से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद वो राजमहल निकलेंगे और फिर राजमहल के बाद वो बोरियो, जो आज 3 विधानसभा है दरअसल साहिबगंज के अंदर, और ये तीनों विधानसभा में मुख्यमंत्री का आज दौरा है। तो सबसे पहले वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए यहीं डीसी कार्यालय आएंगे, समाहरणालय आएंगे, और समाहरणालय के बाद वो फिर यहां से राजमहल की ओर आगे बढ़ेंगे और फिर राजमहल के बाद वो बोरियो और फिर वहां से वो रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। तो देखिए जो उनका नॉमिनेशन का टाइम शेड्यूल है उसमें थोड़ी तब्दीली थी जो हम आपको बता रहे, जिसमें डीसी साहब से हमारी बात हुई, साहिबगंज डीसी से, उन्होंने कहा कि पहले हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहे थे, अब हेलीकॉप्टर से ना आकर वो सड़क से आएंगे, सड़क माध्यम से उनकी कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है। और जिसके कारण डीसी साहब ने ये भी कहा कि जो और भी इंतजाम हैं उनको लेकर भी उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी आपने देखा, यही समाहरणालय है और यहाँ पे थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचेंगे और फिर उसके बाद जो आज का उनका शेड्यूल है वो भी हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके से उनके शेड्यूल के तब्दीली होने के बाद थोड़ी सी सिक्योरिटी में चौकसी बरती जा रही है क्योंकि पहले थोड़ा हैडक कम था कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कह लीजिए, लेकिन अब सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो उसके बाद थोड़ी सी इनकी परेशानी कह लीजिए थोड़ी बहुत बढ़ी है। लेकिन मामला ये है कि जो यहाँ के डीसी हैं, यहाँ के एसपी हैं, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी को इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और जो निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ पर होंगे उनके समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचेंगे और फिर वो यहाँ पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24।